हेलो एवरीवन, जब हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और साथ के साथ बालों का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है और यही नहीं, हम गंजेपन के शिकार होने लग जाते हैं, तो ऐसे में हमें बहुत सारे ऑयल्स याद आते हैं, जैसे कि केश कांति या और कई प्रकार के ऑयल्स। और सबसे बड़ा नाम आता है इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल। जी हाँ, इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल का फिर एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी पर कई बार देखा होगा और इसके बारे में भी लोगों से कहते हुए सुना होगा कि जो इंदुलेखा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑयल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल के बारे में। क्या ये सच में सफ़ेद बालों को काला कर देता है, बालों को झड़ने से रोक देता है या फिर गंजे सर पे भी ये बाल उगा देता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानेंगे कि क्या ये सच में झड़े हुए बाल को दोबारा से उगा देता है, क्योंकि मैं अपना ओन एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किसको इसे लगाना चाहिए, किसे नहीं लगाना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्या ये सच में सफ़ेद बालों को काला कर देता है, झड़े हुए बाल को दोबारा से वापस ला देता है, मतलब उगा देता है, और इसके रिजल्ट्स हमें कितने दिनों में मिलते हैं? मैंने भी इसको बहुत सालों से इसे टीवी पर इसका ऐड देखते आ रही हूँ, तो मैंने भी सोचा था कभी इसका इस्तेमाल करेंगे, तो अब मैंने फाइनली इसे मंगवा लिया है और इस्तेमाल भी किया और जो रिजल्ट्स हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इंदुलेखा ऑयल जो होता है ये आयुर्वेदिक ऑयल है। इसे ऑयल नहीं कहा जाता, इसे मेडिसिन कहा जाता है हेयर्स के लिए। जो भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं 100% नेचुरल हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं। तो इसमें कोकोनट ऑयल है, आंवला है, भृंगराज है और भी बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियाँ हैं जो कि बालों के लिए जो फ़ायदेमंद होती हैं, वो सारी जड़ी बूटियों से मिलकर ये बना हुआ है। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो ये 100 ml की बॉटल 432 रुपये की मिलना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये कोई और ऑयल लेने जाओगे 100 ml तो शायद वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, 150-200 या 250 का पड़ जाएगा, पर ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग जो इसकी बॉटल है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इस ऑयल को सेल्फी ऑयल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसा अप्लीकेटर दिया हुआ है ना कि इससे आप खुद से ही अपने स्कैल्प में ऑयल को लगा सकते हो। तो इनकी जो ये टेक्नोलॉजी है ये बॉटल बनाने की, अप्लीकेटर साथ में है, इस प्रकार का मिल जाएगा आपको। तो ये अप्लीकेटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और न्यू टेक्नोलॉजी है। वैसे अब तो मार्केट में आपको बहुत सारे इस टाइप के बॉटल्स मिल जाएंगी, बट जिस टाइम ये बनाया गया था उस टाइम कोई भी मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी की बॉटल नहीं थी, ऐसी डिज़ाइन में बॉटल नहीं थी। तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल की कंपनी को। इसकी स्मेल है, स्मेल इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे पसंद है पर्सनली। तो जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए परफेक्ट नहीं है। तो इसका जो एप्लीकेटर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है जब आप इसे लगाते हो, हेयर्स में अप्लाई करते हो, तो इससे काफ़ी ज़्यादा लीकेज भी होता है। तो जब इतना ज़्यादा कॉस्टली ऑयल है तो वेस्ट जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि इसे सावधानी से लगाएं, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना है आपको। तो आप देख सकते हैं इस ऑयल की कंसिस्टेंसी, लिक्विड ऑयल है तो इसलिए ध्यान रखकर आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि इसको किसको लगाना चाहिए, किन लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, जिनका स्कैल्प ऑयली है उन्हें इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उन्हें कभी ख़रीदना भी नहीं चाहिए इस ऑयल को। जी हाँ, उन्हीं लोगों को ख़रीदना चाहिए जिसका स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे क्या रिजल्ट्स मिले, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरे स्कैल्प को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया। जी हाँ, क्योंकि मेरा स्कैल्प और ज़्यादा ऑयली हो गया जब मैंने इस ऑयल को लगाया अपने हेयर्स में। जो ये दावा करते हैं कि ये आपके बालों को दोबारा से उगा देता है और हेयर फॉल को रोक देता है और सफ़ेद बालों को काला कर देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जो बाल आपके सफ़ेद हो गए हैं उसको ये काला बिल्कुल भी नहीं करेगा, बट इसका इस्तेमाल अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें तो क्या होता है कि जो आपके काले बाल हैं वो और ज़्यादा काले हो जाते हैं, जैसे जो भूरे बाल हैं वो और ज़्यादा काले दिखते हैं। जी हाँ, ग्रे हेयर को ये प्रिवेंट करता है, बट ये बोलें कि ग्रे हेयर को ये ब्लैक कर देता है तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो बाल आपके सफ़ेद हो गए हैं वो ये ब्लैक नहीं कर सकता है, बट हाँ जो अब निकलेंगे वाइट हेयर उनको ये प्रिवेंट कर देगा। हेयर फॉल को रोकता है तो हेयर फॉल को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो सकते हैं, बट अगर ऑयली स्कैल्प है तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। 1-2 महीने लगाओगे तो किसी भी प्रकार का स्कैल्प हो ये हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करता है, ना ही हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, बट अगर 8-10 महीने इसका इस्तेमाल लगातार करते रहोगे तो आपको कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा और
हेयर ग्रोथ भी होना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये कुछ लोगों पे रिसर्च किया गया है तो उन लोगों के रिव्यू मिले हैं, तो उस अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने मुझे 8 से 10 महीने तो हुए नहीं इसका इस्तेमाल करते हुए, 1 से 2 ही महीने हुए हैं मुझे इसका इस्तेमाल करते हुए, तो मैंने ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देखा, ना कोई हेयर फॉल में कंट्रोल हुआ और ना ही कोई हेयर ग्रोथ बढ़ी। हाँ, मुझे अपने बाल जो है काफ़ी काले लग रहे हैं, मतलब इसके इस्तेमाल से। इसकी जो बात मुझे पसंद आई वो ये कि ये सच में आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं डाले गए हैं। उसी बात इसका एप्लीकेटर मुझे पसंद आया, और जो नहीं पसंद आई वो ये कि इसकी प्राइस मुझे पसंद नहीं आई, और दूसरी बात ये कि ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा ऑयली ऑयल है, ऑयली स्कैल्प वालों के लिए ऑयल नहीं है, जबकि ऑयल ऐसा होना चाहिए कि हर स्कैल्प को सूट करे, हर स्कैल्प वाले इसे लगा सके, बट ये ऐसा ऑयल नहीं। तो इस प्रकार से ये तक का मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। आगे भी अगर इसे कंटिन्यू करूँगी मैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।